कली काल के अंदर इतने विराट स्वरूप, वो भी सकारात्मक, विश्व में पहली बार ये चारों ही सकारात्मक स्वरूप आपको दर्शन हेतु उपलब्ध हुए हैं। और उससे भी बड़ी बात, 2700 क्विंटल गेहूं के एक ही रेट का भोग अभी लग रहा है। इस कली काल के अंदर इस प्रकार के आयोजन बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, और जिसमें भी ये पॉजिटिव एवं सकारात्मक मूर्ति। बहुत अच्छा, देखो कितना अद्भुत सहयोग है। सदगुरुदेव बाप जी महाराज के सानिध्य में लटियाल नगरी, मां लटियाल की नगरी फलोदी, जहां जय सियाराम सेवा समिति के तत्वधान में गुरुदेव के सानिध्य में आप स्वयं देख पा रहे हैं। कल भी आपने देखा किस तरह से इसे 27 क्विंटल 2700 किलो आटे के रोटी का भोग, अरे भोग तो आपको अब दिखेगा, लेकिन इसको बनाने में और जिस तरह का पुरुषार्थ हुआ, आप जो यहां उपस्थित थे और जो लोग टीवी के माध्यम से देख रहे थे, उनके लिए तो बहुत ही भाग्य की बात है। गंगा नगर से रामदत्ता जी महाराज, हमारे त्याग मूर्ति जी महाराज, हमारे बाप जी महाराज, जहां संतों का सानिध्य हो वहां हनुमंत का प्रागत्य कौन सी बड़ी बात है। बोलो हनुमान जी महाराज की। वो समय आया कि चार चार हनुमान जी के विभिन्न स्वरूप जय पारस चैनल के द्वारा सारी दुनिया को देखने को मिलेगा। मेरी आप सबसे अनुमति है, ज्यादा से ज्यादा नगर के, गांव के, घर के अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा अपने घर के, गांव के, नगरों के सब जगह सकारात्मक मूर्तियों की स्थापनाओं में सहयोग करें, ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सके। आप सब प्रत्यक्ष रूप से आज जिन्होंने ये शोध किया उन्हें भी देख पा रहे हैं, बाप जी महाराज। और गंगानगर से पधारे रामदत्ता जी महाराज, हमारे त्याग मूर्ति जी महाराज, और सब के सब सरल व्यक्तित्व के धनी है। हम सबको उन सबका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। और ये 2700 किलो, 27 क्विंटल और 27 किलो,
गणादि सेविदं कपिददम्बो फलचारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंगजम्। ओम सरस्वते महाभागे विद्या कमलोचनी विश्वरूपा विशालाक्षे ब्रह्म विद्या देहि सरस्वते। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष गुरुर्कृपा। श्री रामचंद्र कृपा लोभ जो मन हरण भग भय दारुणम नवतंजलो चलता गमुख करता जपद कंजारुणम कंद पय गणतय मृत छवि लमेरद सुंदरम पट पीतमान सुतावर भजु देवंद दुने सदानवध त्वंश निकंदनम रघुनंदयानंद कंद कोशल चंद दशरथ नंदनम सुर मुकट कुंडल तिलक चारोद रोअंग विभूषणम आचानुभुज मजित खर गोषणानुतिवदत दास शंकर शेषम निमनर जनम मम हृदय कुंडलिवा सुकुर कामा देखल दल गंजना मनु जाहिरा चहु मिलाहि सुंदर सहज सुंदर सावर करुणानुधान सुजान से जाने हो जान तरावरो एही बात वोरिया से ससुन सिया साही ताहिया हर से अरे अरे बावाने पोच पन पन मुदिता मान मंदिर चलो जाने गोरियन को नसियाई हर सुन जाए कही मंजुल मंगल मोलवा लगे सियावर रामचंद्र बरुद शरणम। ओम मंगल भवन अमंगल हार रघु सुत सिर के अजर बिहार मंगल भवन अमंगल हार रघु सुत सिर के अजर बिहार दीन दयाल गुरत संभार हरहु नाथ मन संकट भार दीन दयाल गुरत संभार हरहु नाथ मन संकट भार जय सिया राम प्रभु जय सिया राम जय सिया प्रभु जय हनुमान जय सिया प्रभु जय सिया राम जय सिया प्रभु जय हनुमान जय प्रभु जय सिया राम जय सिया राम प्रभु जय हनुमान। बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम शेरे राम शेरे राम शेरे राम 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 हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तुल कहु जाग श्री राम दूते तुल तबल धाम अंजन पुत्र पवन नामा महावीर विक्रम बजरंगे कुमति निवार सुमति देवते कंचन वरण वीर दशवेश डाल कुंज के साहा वज्र ध्वजा विराज कांधे मुज जने साज शंकर सुवन केसर नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुण अति चात श्री राम काज करुणे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया सीता राम लखन मन बसिया सूक्ष्म रूप से दुखावा विकट रूप लंक जरा बाबू मरु पदर असुर संहारे सिया राम जी के काज सवार लाय संजीवन लखन जियाय शेर रघु रहर सोर लाय रघुपति के बहुत पढ़ाई
आप मम प्रिय भारत सम भाई सबदनाया पर रस गावे अस का श्री पतकांत लगावे सन काहद ब्राह्मद मनीषा नारद सारद सहित अहिसा यम कुबेर दुपान जहाँते कवि के विद्य का सके कहाते आप उपकार सुग्रीव श्री राम मिला स्वराज पद दीनाया पर मंत्र विभेषण माना लंकेश्वर वय सब युग जाना युग सहस्र योजन पर भान ले लेता मधुर फल जान प्रभु मोत्र का मेल मुख माह जल दिलाग अचरज नाई दुर्गम काज जगत के देत सुगम अनुग्रह पर तेत श्री राम दुआरे आप रखवार हो तन राजा बिन पैसार सब सुखला है आप शरणा आप रक्षक का हूँ को डरना आपन तेज समार आपे तीनों लोग कहाँ कते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे वीर जब नाम सुनाव ना सुरे बहरे सब पीरा जब तनी संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वे राजा जिनके पाद सकल अपसाजा संकट मोचन अंगव के संगल घर को काफी से जन उतारो जीवत न बचिए हम सोचो थके तक दुखते तक लाय सिया से पारे उबारो वो नहीं जान है जग में प्रभु संकट मोचन तियारो रावण काश दाई सिया को सब राक्षसी से साई छोटे निवारो ताई समय हनुमान महाप्रभ जाय महर जनी सर मारो पवारन लाए जाता पवन सुतवारन लाए लंकाजाय असुर दल मारे असुर दल मारे सिया राम जी के तारा सवारे प्रभु राम जी के आज सवार लक्ष्मण मूरत पड़े धरण पर पड़े धरण पर आन संजीवन हर प्राण उबारे आय संजीवन हर प्राण उबारे पैद पाताल अहिरावण के भुजा उखाए अहिरावण के भुजा उखाए हाँ भुजा अस
मारे दाहिने मुजा संत जनतारे दाहिने मुजा बात जनतारे सुजन रमुन जन उतारे प्रभु आरती उतारे जय 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 हनुमान जी उचारे जय 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 हनुमान जी उचारे कंचन धार कपूर लो उचारे कपूर लो उचारे आरती करत अंजना मारे आरती करत अंजना मारे जो हनुमान जी की आरती गावे प्रभु कीरती गावे बस वैकुंठ परम पद पावे बस वैकुंठ आनंद पद पावे का उतार कियो रघुराई कियो रघुराई जी महाराज देखो जहां संत होते हैं और जन पहुंच जाए तो समझो जीवन का स्वर्ण समय चल रहा है गोल्डन टाइम। और दत्ता जी महाराज से मेरी विनती है कि जनता को अपने ऊर्जा से ऊर्जावान करें और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। बोलिए बालाजी महाराज की। बहुत ही सुंदर तरीके से बालाजी की पूजा पद्धति है। मेरा आप सबसे अनुरोध है ज्यादा से ज्यादा आप लाभ ले रहे हैं और भी लाभ लें। और पूजा पद्धति के बाद जो 2700 किलो आटे के रोटे का भोग मैंने कहा ना बनाने वाले ने बनाया पर हमें तो चूरमे का प्रसाद लेकर फिर घर जाना है। तो जब तक बालाजी जन्मदिन रो केक अरे ब्रेड का सूखा फूखा नकली केक कहीं खाओ ना 2700 किलो आटो अरबी में जोरदार गायरे घीरी नदी बैठी है नदी बाय बिना कोई चूरमा बने गई कोनी बने नहीं। तो गौ माता मैं रोज क्यों गौ माता माँ है भैंस मासी है लेकिन अंग्रेजी गाय तो आंटी जी है आंटी जी। अरे आंटी जी में कहीं प्रेम प्यार को नहीं हुए काकी मासी तो भेर लू खोल सो लाड कर दी पर आंटी जी तो पेंट पेर दौड़ जाई। आइए न्यास रूप प्रारंभ करते हैं। ओम पवित्र है पवित्र सर्वावस्था अंगा यासमरे पुंडरीताक्षम शबाया भयंकर पिंडरीता छपना तुमान। हाँ संकल्प कीजिए सर्वेषां जनानां प्रतिनिधिभेदेन अमुक गोत्रोत्पन्नस्य। हाँ आप सभी लोगों के प्रतिनिधि भेद में क्योंकि आप सभी लोग यहां पर आ नहीं सकते न व्यवस्था बन सकती उनके आप सभी लोगों के प्रतिनिधि भेद में यह यजमान है नियुक्त किए है बाप जी के द्वारा ये संकल्प कर रहे हैं आपके द्वारा। बाप जी का जो संकल्प है वो मुख्यतः सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय तो इसी संकल्प की कामना पूर्ति हेतु इन मूर्तियों की स्थापना की जा रही है। सर्वेषां जनानां प्रतिनिधिभूतेन अमुकामुक गोत्रोत्पन्नस्य अपना अपना गोत्र ले लीजिए अपना अपना नाम ले लीजिए सपत्नी कस्य सपरिवारस्य
आत्मन श्रुति स्मृति प्राणोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थम पंचमुखी ही एकादश मुखात्मक एक मुखी हनुमत प्रतिमाया अनावरण सहित न शुद्धिकरणार्थे हे महाभिषेक स्नान सहित न नेत्रोत्मीलन संस्कार सहित न पूजनम आरार्तिक्यम समस्त कार्यम यथा ज्ञानेन यथा भक्ति द्वारेण यथा मिलितोपचार द्रव्यम अहम करिष्ये वयम करिष्यामहे वा संकल्प छोड़ दीजिए। ओम हाथ जोड़ के हनुमान जी महाराज का ध्यान कीजिए। ओम नाम ज्योतिगं ज्योतिरेखं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु अस्तु शिव संकल्प संकल्प सिद्धिरस्तु। बोलिए बालाजी महाराज की। बहुत सुंदर व्यवस्था आप सबरी। आप सबसे हमारा अनुरोध है जो भी जनता जनार्दन आयोड़ा है कोई भी बालाजी महाराज रे जन्मदिन रो प्रसाद लिए बिना ना जावे। देखो आज 3 दिन री मेहनत से 2700 किलो आटे रो रोटी बनियो और गौ माता रे घृत में मेरी प्रसादी तैयार हुई। आप सबसे मारो अनुरोध है बालाजी महाराज रे विभिन्न स्वरूपों रा अबार पर्दा अर्पण होवेला और आप लोग दर्शन कर जो और दर्शन करण रे बाद समस्त जनता जनार्दन प्रसादी लेकर जाई जो और जो भी ईएमए सहयोग करनी चाहो नीचे व्यवस्था है आप धनुमु भी ईएमए आहुति लगा सको। आप रो सारी आहुति ई भंडारे में हनुमान जी महाराज रो जो 15 दिवसीय कार्य परिपूर्ण हुए हुए में उपयोग ली जावेली। आप सब आप रे आहुति लगा सको जो भी सहयोग करनी चाहो सहयोग कर सको। बालाजी महाराज की। जगनेमा जन्द देवा
तानि धर्माणि प्रथमान्य हन्यादेहनाथ महिमानः सजन्धय प्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। वस्त्र मांझी महाराज को नीचे चलना भी साफ करने हेतु वस्त्र के उपलब्ध कराएं। ॐ नमस्ते रुद्रमान्य वायुदेवाय करे नमः बाहुयां मुदधे नमः वादेर्वृषिवतनुरधेर पापकाशिनि पलायनस्तन्नव स्कन्दमया गिरिशन्दाविदाकसेः वामिकुञ्जिरिसन्तास्ते विवर्कस्तादि शिवाञ्जिरिप्रत कुरुमाहुद्गुरुसेः पुरुकं जगत शिवेन्दव च सत्त्वा गिरिशाच्छ पदाम्भसि जतानः सर्वामि जागादक्षिमग्गो क्षोमना अध्यास अध्यावोचदधिवक्ता प्रथमो देव्यो विगक अहि सद्रुवा अरुण उतप गृह सुमंगलुद्र अभिदोदु श्रिता शास्त्र शुद्धिका गुणेड ईमहे अगौजेदानो हन्तेभ्यो करन्नमः व्यामुदधे नमो आह्व्यान्तवधन्मने मानो महान्तमुतमानो अर्भतं मानौ क्षन्दमुदमानौक्षितं मानौ वधूः पितर ओदमातरं मानः प्रियास्तन्वोरुद्रवीरितः मानस्तो केतनौ मान आयुखि मानो गोकुमानो अस्मेखुरीरितः मानो वीरानुद्रभामिनो वधूरग्मन्तः सदमित्वा हवामहे। हनुमत देवता नेत्रों मिलन संस्कार समर्पण बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। हाँ थोड़ा जल छोड़ दीजिए भजन जी हनुमान जी महाराज के आंखों का ध्यान करते हुए नेत्रों मिलन संस्कार समर्पयामि पंचमुखी हनुमत देवता सुप्रतिष्ठित वरदो भवता नेत्रों मिलन संस्कार समर्पयामि राम जी का निकल गए नीचे कर लो शिष्य। हाँ शिष्य आगे की तरफ नीचे झुका दो आराम से। देखो पूजा पद्धति कोई रे अगर पूरी ना भी देखी ओड़ी होए तो लाल जी महाराज रे सानिध्य में पूरा आनंद ले लिया भाई। हनुमान जी महाराज रे देखो जनऊ संस्कार उपवस्त्र पहनाए जा रिया है स्वरूप रे दर्शन करियो सब लोग भाव से दर्शन करो बारी बारी प्रत्येक स्वरूप रे दर्शन करवाया जावेला बोलो बालाजी महाराज की। देखो एक बेलियो अमृत वाणी हर 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 महादेव। हाँ अब कुछ आनंद आयो नहीं। देखो राम जी ने नाम मो हनुमान जी राजी होए कि चूरमो खाण मु ज्यादा राजी होए एक साथ जवाब दो पहली चूरमो के पहली हनुमान जी रो नाम हनुमान जी आगे राम जी रो नाम तो बोलो हरे रामा रामा राम सीता राम 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 बोलो हरे रामा रामा राम सीता राम 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 हरे रामा राम बोलो बोलो या तो बोलो
या खुलो कह दो के भूखे पेट ना भजे गोपाला, बजी जे हाँ ये तो बहुत जोरदार बज रिया है। अरे जब इतना सुंदर स्वरूप रा दर्शन हो रहा है, देखो बेटे रो जन्मदिन हो नी जने मां ने नहीं लागे, मारे चिंता क्या होए कि मारे बेटे रो जन्मदिन में जितना भी आया है वे जोरदार प्रसादी लेकर जावे तो मारे बेटो भी राजी और भी घर में देखो कि नहीं देखो आप ये सब जन्मदिन तो मनाओ ही हो बच्चा रा। तो भाई जन्मदिन गलत तरीकों से मत मनाओ। अब बेटा हाँ परिवार में सब नाटक देखना पड़े, जगाने की कोशिश करो तो कोई जागरण तैयार हो नहीं, कोशिश करते रहो, दिया बुझाओ मत दिया जगाओ, बुझाना हमारी संस्कृति नहीं प्रज्वलित करना हमारी संस्कृति है। बोलो हनुमान जी महाराज की, काटना हमारी संस्कृति नहीं मिलाना हमारी संस्कृति, जोड़ना हमारी संस्कृति है, काटना तो केक काटना चाहिए, काटना चाहिए। बोले हुआर बे हुंदा नहीं बहता, हम जाई थोड़ी मोड़ी आई पर जागो जब सवेरा तो बोलो बालाजी महाराज की। वैभव जी गहलोत के बड़े भाई साहब हमारे बीच पधारे हैं, जोरदार स्वागत हार्दिक अभिनंदन। शरण अभी पंचमुखी के बाद में नेत्रोन मिलन संस्कार, एक मुखी हनुमत प्रतिमा जो सामने लगी हुई है, तीनों मूर्तियों का जो मेन पॉइंट है वो इस मूर्ति के अंदर दिया हुआ है। तो आइए नेत्रोन मिलन संस्कार में हमारे बीच में फलोदी के विधायक बाबा रामजी बिश्नोई भी पधारे हैं, उनका भी इस जय श्री राम सेवा समिति आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए एक मुखी हनुमत प्रतिमा का अनावरण सहित नेत्र मिलन संस्कार करते हैं। हरि ओम। देखिए इसे कहते हैं धर्म हो सकती है, धर्म हो सकती है और हमारा सनातन धर्म जो जोड़ना सिखाता है हमारे बीच में, जो अपने भारत की दो पार्टियां मुख्य दो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हमारे बीच में सामने है, ये सनातन धर्म हमें जोड़ता है। बोले सत्य देवी सनातन धर्म की हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आइए एक मुखी हिम्मत प्रतिमा का अनावरण करते हैं। ओम माता चक्षुर्देवा हितं गुरुस्ता चक्रमुच्चारता पशे मसारदा सतम जीवे मसारदा सतज्ञो श्रृणुया मसारदा सदम ब्रह्मवा मसारदा सतम दीना श्याम सारदा सतम भूयस्य सारदा सतोद। अभी इसके बाद में एकादश मुख ग्यारह मुखी हनुमान जी महाराज की मूर्ति के अनावरण मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा नेत्रों मिलन संस्कार हो रहा है। पंचमुखी हनुमान जी महाराज की मूर्ति अनावरण प्रतिष्ठा की गई, इसके बाद में एक मुखी हनुमत प्रतिमा का अनावरण मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की गई और अभी एकादश मुख ग्यारह मुखी हनुमान जी महाराज की
हनुमत प्रतिमाया अनावन सहितेन प्राण प्रतिष्ठा मंत्र से ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा विष्णु विद्यजूषाणी अदर्वचंदाजी क्रियामयोति प्राणाच देवता आंग बीजम हिम शक्ति कौन कीलकम अस्या नूतन मूर्तेश अनावन सहित प्राण प्रतिष्ठापन विनियोग है। जल छोड़ दीजिए, हाँ स्पर्श कीजिए मूर्ति का। ओम आंग ह्रीं क्रम यंग रंग लंग शं 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 हुं सह सो हम अस्या हनुमत नवीन मूर्तेषु अनावन सहित प्राणाय प्राणा ओम आं ह्रीं क्रम यंग रंग लंग शं 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 हुं सह सो हम अस्या नवीन मूर्तिना नवीन मूर्तिना अनावन सहित ये प्राणा तिष्ठन्ते ओम आं ह्रीं क्रम यंग रंग लंग शं 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 हुं सह सो हम आसाम नवीन एकादश मुखात्मक हनुमत मूर्तिनां नावन सहितेन सर्वेन्द्रियाणि वाणं चक्षुः श्रोत्र युवाघ्राण पाणिपादोपस्थानि एवागत्य सुखं चिरं तिष्ठन्ते स्वाहा। अक्ष छोड़िए। ओम अस्य प्राणा प्रविशन्ते अस्य प्राणा चरन्ति अस्य देवतमर्जाये महामहेति च कस्यन। कन्याओं को आगे रखे भैया, कन्या ना आगे रखो, नहीं अभी एकादश मुखात्मक हनुमान प्रतिमा का अनावरण सहित प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अक्षता निपान्ते ओम नमः मनोज्योतिर्जुघदाम्ब जस्य बृहद्वादे विज्ञाने वान् आलोकवरिष्ठं दिनद्विषाणि मन्धार ऋग्वेदेव त्वय्यमाधव आमो प्रातिष्ठ। दोनों हाथ सामने कीजिए मूर्ति के। अस्सी प्राणा प्रतिष्ठन्ते अस्सी प्राणा चलन्ति जाओ अस्सी देवतमर जाए माम होति च कश्चन। एकादश मुखात्मक हनुमत प्रतिमाया अनावरण सहितेन प्राण प्रतिष्ठितो वरदो भवतः। ऊपर कीजिए शीशा, ऊपर कर दीजिए। हाँ पंचमुखी हनुमान जी महाराज की पूजन प्रारंभ करते रहिए। वो भाई पंचमुखी हनुमत प्रतिमा के विद्यमान है, भगवान के अच्छी तरह से पूजन कीजिए। इसके बाद में एकादश मुखात्मक हनुमान जी महाराज की पूजन। हाँ जी दो मिनट ठीक है। सामने माताएं लोग सामने न देखे, नेत्रों मिलन संस्कार हो रहा है। ओम मादचरे वहिदं दुरस्ताचक्रमुचरदा पुष्येम सरदा सदम जीवे न सरदा सतग्यो श्रृणया न सरदा सदम ब्रभ्रदा न सरदा सदम दीना हस्यां न सरदा सदम वेय च सरदा सदात चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत चौत्राद्वायस्य प्राणस्य मुदा अग्निरजायत। एकादश मुखात्मक हनुमत प्रतिमाया अनावरण सहितेन नेत्रोन्मीलनं समर्पयामि। बोले ग्यारह मुखी हनुमान जी महाराज की, सियावर रामचंद्र भगवान की, भक्त और भगवान की। हाँ संवेदयामि हम हनुमताय नमो नमः। एकादश मुखात्मक हनुमत देवतायै नमो नमः पूजयामि पाद्यर्घ्यात्मने। आंते नीचे कर लीजिए शीशा। जो यजमान लोग हैं कन्याओं को दक्षिणा दिला दीजिए। हाँ कन्याओं को दक्षिणा दे दीजिए। शीशे को नीचे करके अंदाज से पुष्प छोड़ दीजिए, शीशे को साइड में कर दीजिए। हाँ जनेऊ दीजिए। अब जन्मदिन है और देखो सब लोग हनुमान जी न्योते दिए और सब पधार गया। अब यार मैं एकली बुलाऊं थी तो कोई आऊं तो गई। बालाजी महाराज बुलाया और जनता जनार्दन उपस्थित हो गई। बोलो जनता जनार्दन की, बोलिए सतगुरुदेव।
सीता राम 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 हर राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 बाबूजी गावे देखो मरी हरे राम 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 सीता राम 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 सभी आए हुए श्रद्धालुओं का जय सियाराम सेवा समिति भले भी आपका हार्दिक स्वागत करती है और हमारा परम सौभाग्य हमारा और आप सभी का कि इस कली काल के अंदर इस प्रकार की सकारात्मक मूर्तियां निर्विघ्नता परिपूर्ण होना अपने आप में बहुत बड़ा यह सकारात्मक परिणाम है। कहते हैं इस आश्रम के अंदर यज्ञशाला गौशाला और इस प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा का ये परिणाम स्वतः है। एक और खुशी की बात है कि यहां पर जो गौशाला है उसमें आज सवेरे गौ माता ने बच्चिया को दिया तो यह भी अपने आप में सकारात्मक परिणाम है। अभी राम पूजन हुआ और एक मुखी हनुमान जी महाराज के पूजन के बाद में अभी एकादश मुख हनुमान जी महाराज की अनावरण प्राण प्रतिष्ठा के बाद में पूजन का काम चल रहा है। यज्ञोपी के बाद ही वस्त्रों के बाद में वासो हो पवित्रमासी सदभारम वासो हो पवित्रमासी सहस्रधारम वो वस्त्रायसायिता पुनः तद्वासो हो पवित्रे वसतधारे वासुभुवा कामदुक्षाः वस्त्रोप वस्त्राणि समर्पयामि हम हनुमते नमो नमः। अभी पांच से दस मिनट के अंदर में चतुर्थ स्वरूपा हनुमान जी महाराज की महा आरती होगी और सभी आए हुए श्रद्धालुओं से निवेदन आरती के बाद में महाराज श्री द्वारा प्रसाद की उचित व्यवस्था की गई है जो महारोग था उसको हनुमान जी महाराज के भोग के बाद में प्रसाद की उचित व्यवस्था की गई है। सभी लोग प्रसाद अवश्य लोग ग्रहण करेंगे। और सकारात्मक क्या होता है मूर्तियों के बारे में हमारे मृदुल एवं कंठदासिया श्री प्रिय सरोज भाई सा इनके बारे में हमें जानकारी दे रही है। जब तक मूर्तियों के वस्त्रादि पहना दे रहे 10 मिनट की मूर्तियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। सभी लोग अच्छी तरह से सुनेंगे। 10 मिनट के बाद में महा आरती होगी। जय श्री राम। बोलिए बालाजी महाराज की। देखो मैं आपसे बार बार कह रही हूं कि परम सौभाग्य की बात सकारात्मक चार स्वरूप एक मुखी पांच मुखी ग्यारह मुखी और सात मुखी मेरी प्राण प्रतिष्ठा हनुमान जी ने जन्म दिवस रे अवसर पर हुई और ये शुभ संकेत क्या है कि आज गौ माता भी सुबह सुबह एक बछड़ी ने जन्म दियो क्योंकि गौ रे बिना
अरे परमात्मा भी गाया दिखे हुए देश में जाया करे। रामकृष्ण अमेरिका में क्यों ना गया, भारत भूमि में जन्म क्यों लियो? बोलो गौ माता की। एकमात्र सकारात्मक स्थान फलोदी में, जहां यज्ञशाला भी है, गौशाला भी है और सकारात्मक मूर्तियों की प्रतिष्ठा भी है। और आप सबसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है, इस बात को गहराई से समझे, हनुमान जी की सकारात्मक मूर्तियां यहां लगी है। ऐसी हजारों मंदिरों में हनुमान जी की, विश्वकर्मा जी की, राधा कृष्ण भगवान की, सियाराम भगवान की, विभिन्न देवी देवताओं की सकारात्मक मूर्तियां बापजी महाराज के और जय सियाराम सेवा समिति के तत्वदान में इन सभी के प्रयास से लगाई गई है। और आप सब से मेरा अनुरोध है, अपने अपने घरों में अपने पूजा स्थान का सिस्टम ठीक करें। जब घर ठीक होंगे तो गलियां ठीक होंगी, गलियां ठीक होंगी तो गांव ठीक होंगे, गांव ठीक होंगे तो शहर ठीक होंगे, और ऐसे ऐसे संपूर्ण देश और विश्व भर में सकारात्मकता का संचार होगा। बोलो हनुमान जी महाराज की। आज सुबह त्याग मूर्ति जी महाराज और रामदत्ता जी महाराज बहुत सुंदर शब्दों में आपको जानकारी दी कि पहले पिंडी आकार में या लिंगा आकार में ही पूजा होती थी। पहले कहां मूर्तियां बनती थी भाई, पिंडी बनाई जाती थी। आप वैष्णो देवी में दर्शन करने जाते हो, वहां क्या है? अब जितने भी साधु संत उठाओगे, शास्त्र पढ़ो, शालिग्राम शालिग्राम शालिग्राम, ऐसा लिखा है कि कोई मूर्तियों का आकार लेकर मूर्तियां लेकर जाते थे कहीं? तो जब तक कोई पिंडी है, लिंगाकार है, तो उसका दोष नहीं है। जब आप मूर्ति का स्वरूप बनाओगे, कलाकारी करोगे और शास्त्रों की तरफ ध्यान नहीं दोगे तो विनाश का विषय उत्पन्न होगा, ये विनाशकारी होगा। अब मूर्तियों का स्वरूप कैसे बना? पैसे पहले तो पिंडियां बनती थी, लेकिन धीरे धीरे मूर्तियां बनी, तो मूर्तियों में या तो देवी का स्वरूप बना या देवता का, या तो देवी का स्वरूप बनाया गया या देवता का। तो माताओं एक बताओ, आपके कौन से हाथ में मौली बांधी जाती है? देखो मैं आपको सरल भाषा में बता रही हूं, हालांकि इसमें शास्त्र गणित और विज्ञान तीनों के सूत्र काम करते हैं। हमारा सनातन धर्म तो पूर्णतया विज्ञान है, पर मैं टीवी पर इतनी लंबी बात नहीं कहूंगी। किसी के मन में टीवी के माध्यम से या जनता जनार्दन के मन में कोई प्रश्न जागे तो बापजी महाराज के पास आकर अपनी शंका का समाधान करें, विचार विमर्श करें। इतनी बड़ी जानकारी है तो कोई ऐसे तो नहीं दे सकते। तो माताओं का बाया भाग, माताओं ने डावे हाथ में, लेफ्ट हाथ में मौली बांधी जाती है। नाक भी कौन सी छिदवाई जाती है? तो नाक में नथ पैरों फीनी पैरों कौन से तरफ है? बायो भाग। आंख कौन सी फड़कती है तो शुभ मानी जाती है? माई आंख। तो शक्ति रूपी मां जब सृष्टि का सर्जन करती है तो उसके लिए गर्भ धारण करती है, तो गर्भाशय कहां होता है? लेफ्ट में, बाएं भाग में। यानी कि देवी की सारी शक्ति उसके बाएं भाग में है। शक्ति का काम क्या है? सर्जन करना। शक्ति का काम है सर्जन करना। माताएं सर्जन करती है सृष्टि में, तभी तो आज सृष्टि चल रही है। तो सर्जन करने वाली जगह अगर शस्त्र पकड़ा दिए जाए तो विनाश होगा कि सर्जन होगा? विनाश होगा। बोले हुआ और बेवे ऊंडा, सीधा बेवन वालों झट बोल जाए। तो
जहां सर्जन का भाग है वहां शस्त्र मत पकड़ाओ, जो सकारात्मक है वहां नकारात्मक चीजें मत पकड़ाओ। कोई भी देवी की मूर्ति होगी तो उसके उल्टे हाथ में कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं होना चाहिए, और आशीर्वाद भी लेफ्ट हाथ से होना चाहिए, दावे हाथ से होना चाहिए, और जीवने हाथ में अस्त्र शस्त्र होने चाहिए। और कोई भी देवता है तो पुरुषों की आप पिता आ रहा हुआ बोले ही कौन मौली की में मान लीजिए जीवना में कौन सी आंख फड़ के तो शुभ है। आई तो बहुत सिंपल बात है, वैज्ञानिक कारण है, डॉक्टर ने पूछो कौन सा भाग पॉजिटिव है वो भी बता देला। तो पुरुष का सर्जन जीवने भाग में राइट साइड में, तो कोई भी देवता की मूर्ति के राइट भाग में अस्त्र शस्त्र नहीं पकड़ाना चाहिए। हनुमान जी की मूर्ति बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन रोज बोल रहा है, पर मूर्ति देखो जरा समझ क्यों को नहीं आवे। शब्द स्वरूप और श्रद्धा तीनों सही होंगे तब परिणाम सकारात्मक आएंगे। शब्द भी सही होने चाहिए, श्रद्धा भी उस सही होनी चाहिए। हवा रुपये और ग्यारह रुपया वाली स्वार्थी श्रद्धा काम को नहीं आवे भाई। और स्वरूप भी सही होना चाहिए, और जब स्वरूप और शब्द सही होंगे तो श्रद्धा अपने आप सही हो जाएगी। और देवी देवता हनुमान जी के बाएं भाग में गदा होनी चाहिए, बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे, पहाड़ या आशीर्वाद दाहिने में और गदा बाई तरफ। और अगर पूंछ दिखाई दे रही है तो कोई भी मंगल काम हो पत्नी सदैव पति के जीवने भाग में होती है। अब आप खुद बताओ थाने घर में पूजा पाठ हो मावन हो जरा पंडित जी लुगाई निकट बिछावे, याद करो बींद्र जीवना हाथ का नहीं डावा हाथ का नहीं कोनी बिठावे। आप जयकारे लगावा जय सिया राम बोलो, पहली सीआर बचे जय राधे श्याम जय गौरी शंकर जय लक्ष्मी नारायण पार्वती पते हर हर। अपने अपने मात पिता, पिता माता कोई बोले मात पिता की, अंग्रेजी मासी लेडीज फर्स्ट, और शास्त्रों पर आओ संस्कृत दादी। सर्व मंगल कार्येषु पत्नी तिष्ठति दक्षिणे, सर्व दक्षिणे पत्नी वाम भाग चतुष्टे। अब ये शास्त्रोन्मति तो सारी बात हो रही है, सारे मंगल काम में पत्नी पति के जीवन भाग में होती है। तो जाओ देखो अगर आपके फोटो गलत हैं तो इस आश्रम में फोटो है, पर पहली खोटा काट जो पछे नवा लगे जो, और नहीं भी लगावड़ा हुए नहीं तो खोटा फोटू काट भली। मैं तो कहूं हालग्राम जी बिठाओ और चाहे शिवलिंग बिठाओ, और नहीं तो बाहर कातल ले मर शीतला माथा की। जब कोई आकार नहीं होगा तो दोष नहीं है, जब स्वरूप अपनाओगे तो आपको जानकारी रखनी जरूरी है। और मंत्रों में भी बहुत गलतियां हैं, आप देवी भागवत से मंत्र पढ़ोगे तो वो मंत्र दुर्गा सप्तशती में गलत छपा हुआ है, लेकिन पढ़ते जा रहे राम रक्षा स्तोत्र में गलती है। गलती क्या है जाओ बाप जी से चर्चा करो, गायत्री मंत्र उच्चारण में गलती, लिखावट में गलती। तो शब्दों का जब गलत प्रचार प्रसार होगा तो परिणाम उल्टा आएगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा सुधार करें। और ज्यादा से ज्यादा मेरी तो एक ही इच्छा है गुरुदेव की कृपा से, मैं तो पक्की पकाई खिचड़ी परोस रही हूं, मैंने किया क्या है, मेरी औकात भी नहीं कुछ करने की, ये पक्की पकाई खिचड़ी आपके आगे परोस रही हूं। अब खाओ तो तृप्ति होगी, नहीं खाओ तो मन भावे मुंडो हिलावे वो बात हो जाए। तो इसी वास्ते ज्यादा से ज्यादा सुधार करो, कोई भी मन में प्रश्न है तो समाधान करो। अगर आपकी प्रणाली सही होगी
तो पितृ शक्तियां मजबूत होंगी, फिर वही दैहिक देविक भौतिकता पा राम राज्य में कबहू नहीं व्यापा, दैहिक देविक भौतिकता पा परीक्षित राज्य में कबहू नहीं व्यापा। माँ बाप के रहते बच्चे मर जाए मजाल पड़ी है, या काल मौतें हो रही है घरों में क्योंकि आपकी पितृ शक्तियां कमजोर हो चुकी है, कारण क्या है? पितृ शक्ति मजबूत है तो घर से कोई एक पेंसिल नहीं चुरा सकता, बच्चे जाना तो बहुत बड़ी बात है, बड़ी बड़ी चोरियां होना तो बहुत बड़ी बात है। अगर हमारे जीवन में दुर्घटनाएं हो रही है तो आप समझ के चलिए कि आपका सिस्टम खराब है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम स्वयं अपना बिगाड़ते हैं स्वयं ही सुधारते हैं। प्रणाली ठीक रखो, पकी पकाई खिचड़ी है, जल्दी से जल्दी इसका अनुसरण करो, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, ना हमें आपसे कुछ चाहिए, आप सबके घर की सुख शांति ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। बोलिए बाप जी महाराज की, बोलिए बालाजी महाराज की, और हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव और हमारे बाप जी महाराज को भी जन्मोत्सव, तो दो लाइन जरूर कहनी चाहूंगी। बाहर बार ये दिन आए, मार मार ये हम गाए, तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरजू। बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत बधाई हनुमान जी महाराज और बाप जी महाराज के चरणों में वाणी में विराम देते हुए महाराज जी लाल जी से हमारा आग्रह है हनुमान जी की पूजा पद्धति पूर्ण करवाए। की जो हनुमान लला के दोष दलन रघुनाथ कला के, जाके बल से गिरधर कांपे, रोग दोष जात निकट न जावे। आरती की जो हनुमान लला के दोष दलन रघुनाथ कर, अंजनी पे महाबल राय संतन के प्रभु सदा सहाय। आरती की जय हनुमान लला के दोष दलन रघुनाथ कलागे, देवी रघुनाथ पढ़ाए लंगा शिया सुधिलाए। आरती की जो हनुमान ललाके दोष दलन रघुनाथ कलाके, लंका जाल असुर संहारे शिया राम जी के काज सवारे। आरती की जो हनुमान ललाके दुष्ट दलन रघुनाथ के, लक्ष्मण मूरछित परेश कारे, आनि सजीवन बाबा प्राण उधारे। आरती की जो हनुमान ललाके दुष्ट दलन रघुनाथ के, पेति पताल तेरी जमकार रावण की मुजा उखारे। आरती की जो हनुमान ललाके दोष दलन रघुनाथ, बाए भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। आरती की जो हनुमान ललाके दोष दलन रघुनाथ, सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान जी उचारे। आरती की जय हनुमान ललाके दोष दलन रघुनाथ, कंचन तार कपूरल छाई, आरती करत अंजना माई,
आरती तुझे हम मान लो दोष बाला मेरे नाथ कौनाते जो हनुमान जी की आरती गाड़े वैसी वे को परम पद पारे आरती की जो हम मान लो लाती दोष बाला मेरे लाके लंका उद्धार किए रघुराई प्रभु संदेश सिए जाए सुनाए आरती की जो हम मान लो लाके दोष बाला मेरे रघु की सीता रघुपति मिलन बहोरी सुर नर मुनिय स्तुति कर जोरी आरती की जो हम मान ललाके दोष बाला मेरे की पुनि पुष्पक चढ़ शिया समेता अवध चले प्रभु कृपा निकेता आरती की जो हम मान ललाके दोष बाला में लाकी सीता राम विद्या समेता सुर मुनि ऋषि से दन सन भेदा आरती की जो हम दान ललाके दोष बलन रघुनाथ कर सीता राम लखन कपिराई भगत मंडलिय आरती गाए आरती की जो हम मान ललाके दोष बलन रघुनाथ कलाके दोष बलन रघुनाथ कलाके।